तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए खोलता हुआ इस तरह मटन एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म इस तरह से मटन और भात, यहाँ स्मेल गजब का है। और मटन का कलर देखिए, ये देखिए जस्ट कलर देखिए, पिंक टाइप का एक कलर है। और अच्छा खाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्टी लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। आज हम लोग आ गए हैं झारखंड की राजधानी रांची में, और रांची में अगर व्लॉग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई जगह होगा व्लॉग को शुरू करने का। फिलहाल अभी जो देख पा रहे हैं, ये जो वरा लिखा हुआ है, ये एक फार्म हाउस है, और ये फार्म हाउस है हमारे मतलब विश्व के सबसे चहेते या सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है। जी हाँ, और यहीं पर मिलता है ज़बरदस्त एक मटन भात, आज उसी को हम लोग कवर करने आए हैं। तो सोचे क्यों ना आप लोगों को चलते चलते ये फार्म हाउस भी थोड़ा सा दिखा दे। वैसे तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग अंदर जाने का कोशिश भी नहीं करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का वो फेमस मटन भात, खाने में कैसा है, कैसे बनता है, सब कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए भैया। नमस्ते। नमस्ते भाई। भैया का नाम? अनिल तिग्गा। और आपका होटल का नाम? सरना होटल, दलादिली चौक, नियर धोनी फार्म हाउस, नज़दीक में, यहाँ 500 मीटर के दूरी में धोनी का फार्म हाउस। अच्छा, वही नज़दीक में ही है। सुने हैं आपका यहाँ का मटन बहुत ज़्यादा फेमस है, मटन और भात। जी ये तो लोगों का प्यार है। अच्छा। और मेरा जो बनाते हैं हम लोग अपने तरीके से देसी स्टाइल में बनाते हैं, अपने घर का पिसा हुआ मसाला रहता है। अच्छा। और जो रहता है तो बस मसाले में केवल अपना जो रहता है एक पाउडर का, तो वो मीट मसाला केवल डालते हैं जो दुकान से, मीट मसाला, बाकी अपना बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो दिन भर में मतलब कितना बजे से कितना बजे तक मिलता है ये? सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, हार्डली 3 बजे तक। और कितना किलो बन जाता है? रेगुलर जो बनता है हम लोग का, बस जो एक बार कॉल बनता है जो डेग में, एक ही बार में कितना? अच्छा, ये डेग में ना। जी तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा ये देख रहे हैं डेग है, और इसी में पूरा डेग भर के यहाँ पर ये मटन बनता है। और दिन भर देखिए यहाँ पर लोगों का यहाँ पर भीड़ रहता है खाने के लिए। ये देखिए पीछे पूरा ये होटल है इस तरह, और लोग खा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अब हम लोग भी खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है यहाँ का ये मटन भात। तो ये देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक एकदम स्टाइल में दिया जाता है, यहाँ पर सर्व किया जाता है साल पत्तल में, यहाँ पर भात भी, और यहाँ पर ये देखिए मटन भी इसी तरह से दिया जाता है पूरा ऑथेंटिक स्टाइल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए खोलता हुआ इस तरह मटन एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म इस तरह से मटन और भात, यहाँ पर सिर्फ मटन और भात ही मिलता है, जो कि दिन भर इसे लोग खाने के लिए मतलब भीड़ किए हुए रहते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पर मछली भी मिलता है। तो देखिए जस्ट मटन का कलर देखिए, मतलब देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, और पीसेस तो वाह भाई वाह। तो भैया आपका ये जो थाली है उसका रेट क्या है? ये थाली हम लोग का यहाँ पर एक प्लेट 130 रुपया में। अच्छा। एक्स्ट्रा अगर पीस लेना होता है तो एक पीस का 60 रुपया पड़ता है। अच्छा। और चावल, हाफ चावल 15 रुपये का। अच्छा। और ऐसे अगर पहली बार जो ले रहा है उसके लिए 130 रुपया में चावल, हाँ, और मटन दो पीस रहेगा। एक्स्ट्रा पार्सल में है 150 रुपया में, दो पीस रहेगा और एक प्लेट चावल 120 का और 30। और जो मछली भात है वो उसका कितना प्राइस है? मछली भात का है हम लोग यहाँ 70 रुपया प्लेट, एक प्लेट चावल रहेगा और एक मछली रहेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा अगर मछली लेना चाहे तो? एक्स्ट्रा मछली लेना रहेगा तो 40 रुपया है। अच्छा, और मटन भात जो है उसमें अगर एक्स्ट्रा ग्रेवी लेना पड़े तो उसके लिए क्या अलग से प्राइस देना पड़ता है क्या? कुछ नहीं। अच्छा चलिए। तो भैया कैसा लगता है यहाँ का मटन भात? बहुत अच्छा है, खाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्टी लगता है। अच्छा, तो कब से खा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग काफ़ी समय से आते रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब लगभग हमेशा खाना? हाँ, हफ्ता में एक आध दो बार तो पहुँच ही जाते हैं। और हम बहुत दूर से आए हैं।
अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग यहाँ से कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर, किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से यहाँ पर सीखिए मटन भात खाने के लिए। जी तो देख ही पा रहे हैं यहाँ का इंटीरियर पूरा एकदम देसी स्टाइल में बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्श भी पूरा इस तरह मिट्टी का है, और चारों तरफ ये देखिए बांस का यहाँ पर इंटीरियर किया हुआ है, ऊपर टीन लगा हुआ है। तो खाने का यहाँ पर देसी खाना खाना है, और देसी खाना खाने का मज़ा भैया इसी तरह आता है। तो चलिए अब हम लोग भी अपना प्लेट लगवा लेते हैं और खाते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का मटन भात। तो ये देखिए फ्रेंड्स आ गया है ऑथेंटिक मटन थाली, अगर इसको बोले तो कोई गलत नहीं होगा। इस तरह से ऑथेंटिक एकदम पत्तल पे इस तरह दिया गया है, और यहाँ पर ये देखिए चावल है। तो चलिए अगर हम नीचे रखेंगे तो शायद गिर जाएगा, तो थोड़ा सा यहीं पर ही हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको अभी हम लोग साइड कर लिए, और मटन का पीसेस देखिए इस तरह का है, मतलब देख के ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पहले थोड़ा सा चावल खा के देखते हैं कैसा लगता है। स्मेल गजब का है, हाँ हाँ, बिल्कुल सिंपल मसाला से तैयार किया गया है, ज़्यादा कुछ रिच ये मटन नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें मसाला यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तैयार किया गया है। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका ग्रेवी, किसी और चीज़ का किसी सब्जी का आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अगर ये मटन भात अगर दे दिया जाए तो आप मतलब तीनों टाइम यही खा सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा सा खाते हैं। अब थोड़ा दिखाते हैं, ये देखिए मटन पूरा चर्बी वाला पीस है, तो थोड़ा सा खा के देखते हैं। पूरा ये देखिए, पूरा ये देखिए पूरा एकदम चर्बी वाला पीस है, खाने में ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ हाँ मटन खा के दिल खुश हो गया। तो अगर मटन खाने का आपको आनंद लेना हो तो झारखंड जरूर आइए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि झारखंड जैसा रांची जैसा आपको मटन और कहीं पर भी मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखिए सलाद में ये खीरा दिया गया है, यहाँ पर चटनी दिया गया है, थोड़ा सा चटनी खा के देखते हैं कैसा लगता है। और देखिए यहाँ पर इस तरह का पापड़ दिया गया है। तो चलिए और थोड़ा सा लेते हैं ग्रेवी। इस तरह का ऑथेंटिक मटन थाली खाने का मज़ा ही कुछ और है, ज़बरदस्त। तो ये देखिए इस तरह से चर्बी था पूरा, ये जो ग्रेवी था उसमें इस तरह का चर्बी भी था। मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा ये जो मीट वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए इतना वेल बॉइल्ड है कि इस तरह से हाथ से जब बस छुड़ा रहे हैं छूट जा रहा है। और मटन का कलर देखिए, ये देखिए जस्ट कलर देखिए, पिंक टाइप का एक कलर है, और खाने में ज़बरदस्त लग रहा है। मज़ा आ गया। मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप लोग इतना लोग हैं, और ये सब सिर्फ मटन भात यहाँ पर खाने आए हुए हैं। जबरदस्त स्वाद है।
तो चलिए खाते खाते यहाँ का एड्रेस भी अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। ये है रांची का रिंग रोड और स्पेसिफिक इस जगह का नाम है दलादली, ठीक है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का जो फार्म हाउस है वरा, उससे ठीक 400 या 500 मीटर का दूरी पर है। तो कभी भी अगर रांची आए तो ज़रूर यहाँ का ये जो मटन थाली, इसे ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है कि इसे खाने के बाद आज तक लाइफ में आपने जितना भी मटन थाली खाया होगा सबको भूल जाइएगा। ये चैलेंज है मेरा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस पूरा मटन थाली को खाकर करता हूँ कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। रांची से अगर कोई देख रहे हो तो ज़रूर इसे शेयर करना ही मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कुछ नया धमाल लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।